इतना पढ़ लिख के क्या बने? पढ़े लिखे बेरोजगार। इतनी मेहनत अगर बेशर्मी सीखने में लगा दी होती तो नेता बनते। और एक वो हमारा बापू हर बात पे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे मोहल्ले में कोई नाम जानता नहीं और इज्जत खराब हो जाएगी। पिछले 30 सालों से ऊपर वाले से सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी मांग रहे हैं। उसके दाल रोटी के चक्कर में हम कुपोषण के शिकार हो गए। बस बहुत हो गई इज्जत, अब होना चाहिए। हमसे तो अच्छे वो ही लोग हैं जो 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखते हैं। न जाने कब किसका रेप हो रहा हो, रील मिल जाए, एक वायरल शॉट मिल जाए। देखिए ना हमारा बापू, इज्जत इज्जत सुसरी कहीं भी काम ना रही। आजकल तो बिल्कुल भी ना रही। जो चीज रोज लुट रही है बताओ किस काम की हुई? इज्जत। बेड़ा गर्क कर दिया मैंने। थोड़ा क्या मैच करो, खुल के बेचर मोल मैं लिख के देता हूं नेता बनोगे। और फोन को हमेशा ऑन रखो। आजकल माहौल बहुत अच्छा है, पता नहीं किस गली में किसका रेप हो रहा और वायरल के लिए रील मिल जाए तुम्हें। इज्जत उज्जत की बात मत जाया करो। ये साली मिडिल क्लास मेंटेलिटी ना छोड़ दो। इज्जत फालतू का वर्ड, क्योंकि जब बेशर्मी की हद दिखानी होती है ना तो उस रेस में हम सबसे आगे हो जाते हैं। और वैसे अगर खुद पे बात आए तो इज्जत की बात करते हैं ना। बड़ा ही दोगला समाज है, बहुत ज्यादा।